नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस कमेटी द्वारा निकाली गई वृहद प्रतिज्ञा रैली, वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने वर्तमान सरकार पर किया सीधा प्रहार। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल द्वारा करवा चौथ पर्व पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्कॉन एवं अन्य हिंदू मंदिरों पर बांग्लादेश में हो रहे हमले के विरोध में निकाला गया विशेष शांति मार्च। और टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा अनेई ग्राम में पंचायत सभा का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस कमेटी द्वारा वृहद प्रतिज्ञा रैली निकाली गई, साथ ही पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने वर्तमान सरकार पर सीधा प्रहार किया। कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को वृहद प्रतिज्ञा रैली निकाली गई। इस दौरान ढोल नगाड़े संग कांग्रेस जन हाथों में पार्टी का झंडा लिए चल रहे थे। यात्रा के टाउन हॉल पहुंचने पर मुख्य रूप से उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, पूर्व विधायक अजय राय, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ जनों द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें वर्तमान भाजपा सरकार पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, इस सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है और इनकी नीतियों से किसान से लेकर हर एक नागरिक परेशान है। जनता अब भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। इनके राज में लूट, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में बेहद इजाफा हुआ है। रैली व पत्रकार वार्ता में किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री परसों बोले हैं, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता 110 रुपए वाले पेट्रोल से, जो कि मोटरसाइकिल पे चलने वाले 5%। अब उनसे कौन पूछे कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक 32% लोगों के पास 2 हीटर है परिवारों में, 32% सरकारी आंकड़े, और 2 हीटर सिर्फ घूमने टहलने के लिए नहीं होता, लोगों का व्यवसाय है। 3 व्हीलर में कितने लोग जो काफी आते होंगे, चलते होंगे, टैक्सियां हैं। तो होता यह है कि सावन के अंधे को अंधे अंधा दिखाई पड़ता, सब हरा भरा दिखाई पड़ता है। तो आज तक तो मंत्री पद है, लेकिन इसे मैं मानता हूं कि जड़े पर लगभग जैसे नमक छिड़का जाए, लगभग उसी तरह से। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल द्वारा करवा चौथ पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल द्वारा करवा चौथ पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋतु गर्ग रही। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लिया और विधि विधान से पूजन कर पति की दीर्घायु की कामना की। इसके साथ ही महिलाओं ने नृत्य गीत इत्यादि कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। इस मौके पर अध्यक्ष सविता सिंह, नेहा सिंह, राखी चौरसिया, चंद्रा गुप्ता, पूजा, सुधा चौरसिया, पूजा गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। आज हम लोग 24 नवंबर को, संडे को करवा चौथ है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे सारी बहनें इकट्ठा हुए हैं जो कि करवा चौथ का प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये करवा चौथ का त्यौहार जो होता है, जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही खास त्यौहार होता है। ये कार्तिक माह के समय में आता है और इसमें महिलाएँ 16 श्रृंगार करके अपने पति के लंबी आयु के लिए स्वस्थ रहें इसलिए मनोकामना करती हैं, इस व्रत को पूरा करती हैं, निजरा व्रत रहती हैं, शाम को व्रत तोड़ के फिर पूजा पाठ करती हैं। ये व्रत पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत अच्छा है। पत्नी भी व्रत रहती है पति के लिए और पति भी व्रत रहता है पत्नी के लिए, इसलिए इस करवा चौथ के व्रत को बहुत ही एक पर्व की तरह, त्यौहार की तरह मनाया जाता है। हमारे चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर ऋतु गर्व हैं, संतुष्टि हॉस्पिटल की मालकिन डॉक्टर ऋतु गर्व। अभी कुछ ही क्षणों में वो हमारे बीच आ रही हैं और दूसरी हमारी वंदना जी हैं, पूर्वांचल से हैं,
आगे का कार्यक्रम हम लोग अभी दीप जलाएंगे, उसके बाद नृत्य होगा। हमारी प्यारी प्यारी बहनें सज सवर के आई हैं, वो करवा चौथ आप लोग को करके दिखाएंगे कैसे करती हैं और कैसे गाना गाती हैं, कैसे खुशियाँ बड़े इंजॉय के साथ ये करवा चौथ मनाती हैं। ये सारे प्रोग्राम अभी होंगे। यहाँ पे आप चीफ गेस्ट बनके आपको बुलाया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और जब महिलाओं का त्यौहार हो और महिलाओं के सजदे संवरने का दिन हो, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हों, ऐसे प्रोग्राम में आना हमेशा से अच्छा लगता है। और यहाँ सारी महिलाएं बहुत सुंदर लग रही हैं, सबने बहुत अच्छे से 16 श्रृंगार किए हुए हैं, सब अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो मैं बाबा विश्वनाथ से, माँ पार्वती से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके पति स्वस्थ रहें, निरोग रहें, उनकी आयु लंबी हो, वो दीर्घायु हो, और साथ में हम सब लोग अपने लिए भी हेल्थ के लिए, डाइट के लिए कॉन्शियस रहें। और हम सब लोग जितना उनके लिए ध्यान देते हैं, मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि अपनी हेल्थ और अपनी डाइट के लिए भी उतना ही ध्यान दें, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सबको स्वस्थ रख पाएंगे। बिल्कुल। तो पति को भी क्या करना चाहिए? जैसे पति को भी सुनने में आता है कि करवा चौथ रहते हैं, कहीं कितनी सच्चाई है? देखिए, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हमारे जो पुराणों में है वो पतियाँ व्रत रखती हैं, पर पति भी अगर रखते हैं तो उसमें कोई बुराई तो नहीं, अच्छी बात है। एक और एक 11 की तरह वो साथ दे, उनको भी वो एक अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ, जो पत्नी पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है तो कितना मुश्किल होता है ये काम। तो मुझे लगता है कि आजकल का थोड़ा मॉडर्न ज़माना है, पति हर काम में पत्नियों को सहयोग देते हैं, हर काम में वो फील लेते हैं, तो उस पर कोई बुराई नहीं है, रखना चाहिए, पर इस पर कोई बाउंडेशन भी नहीं है। हम सभी लोगों को अपने पति का मॉरल सपोर्ट मिलता है, हमें उनका एक बैकअप मिलता है, हमारे लिए वही बहुत है। तो जो रख सकते हैं वो खुशी से रखें, जो नहीं रख सकते हैं वो ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है। पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, बस उन दोनों का आपसी तालमेल बना रहे, दोनों एक दूसरे का समन्वय स्थापित करके एक दूसरे को साथ दे के आगे बढ़े, ये इस व्रत की सबसे बड़ी कामना है। आज ये कार्यक्रम करवा चौथ का रखा गया है। हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं वो सज संवर के आई हैं अपने पतियों की लंबी आयु के लिए, और ये सारा जो भी हम लोग 16 श्रृंगार किए हैं ये सब हमारे पतियों के लिए है, और हम चाहते हैं कि उनकी आयु लंबी हो। और ये जो चेहरे पे खुशियाँ हैं और रौनक है हम सबके चेहरों पे, ये करवा चौथ का ही एक प्यार है, ये त्यौहार ही प्यार का है, सुहाग के लिए है। और मैं चाहूँगी कि सबका सुहाग ऐसे ही बना रहे, और भगवान से मैं यही आशा करूँगी कि जिस तरह से इस साल का त्यौहार हुआ है, अगले साल भी हम लोग इसी तरह से सबके पतियों की आयु को देखते हुए और हमारी बहनों को देखते हुए अच्छा और अच्छा प्रोग्राम कर। स्कॉन एवं अन्य हिंदू मंदिरों पर बांग्लादेश में हो रहे हमले के विरोध में विशेष शांति मार्च निकाला गया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ वाराणसी द्वारा बांग्लादेश में स्कॉन एवं अन्य हिंदू मंदिरों एवं हिंदू नागरिकों पर हो रहे विभत्स हमलों का पुरजोर विरोध एवं बांग्लादेश सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर विशेष शांति मार्च का आयोजन किया गया। मार्च भेलूपुर स्थित स्कॉन मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए रविंद्रपुरी स्थित पीएमओ कार्यालय पहुंचा, जहां सभा की गई। इस दौरान स्वामी प्रणव चैतन्य पुरी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अपने धर्मीय परिचय के कारण संकट में हैं, लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। दुर्गा पूजा के दौरान लोगों पर आक्रमण हुए, यही नहीं, पूजा पंडालों को नष्ट किया गया, माँ दुर्गा की प्रतिमा तोड़ी गई, अनेकों आश्रमों की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को तोड़ा गया, पुजारी और संतों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। इन सब घटनाओं से संत समाज बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएं। इस मौके पर ज्ञापन भी सौंपा गया। मार्च व सभा में स्वामी अभयानंद सरस्वती, साक्षी मुरारीदास, मुरारी गुप्त सहित बड़ी संख्या में संत समाज सम्मिलित रहा। आज हम लोग सब यहाँ एकत्र हुए है हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ये संदेश देने के लिए कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन अपने धर्मीय परिचय के कारण बहुत संकट में हैं, सैकड़ों लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, और दुर्गा पूजा के दौरान उनके ऊपर जिस ढंग से आक्रमण हुआ, पंडालों को नष्ट किया, दुर्गा माँ की प्रतिमा को तोड़ दिया, अनेक आश्रमों के प्रतिष्ठित विग्रहों पर आक्रमण हुआ, कुछ पुजारी और संतों को भी मार डाला, बहुत लोगों के माताओं के ऊपर बलात्कार किया गया है, ऐसा सुनने को आया है कि पूरा का पूरा परिवार पर रेप हुआ है, और इन सब घटनाओं से हम बहुत दुखी हैं। काशी के संत समाज ने भी
हम लोगों ने परसों अपने शीतला घाट पर ये बात रखी है और हम सब उनके साथ हैं, उनके व्यथा से व्यथित हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आशा की दृष्टि से देख रहे हैं और बांग्लादेश के हिंदू समाज भी उनकी ओर एकटक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हिंदुओं के भी बड़े नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड लीडर हैं। आपकी ओर जो इतनी आशा से जो लोग देख रहे हैं, उनको आप आश्वासन दीजिए और आपका एक दायित्व बनता है कि उनकी रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। डिप्लोमेटिक चैनल पर कदम उठाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना मात्र काफ़ी नहीं है। उनको महसूस होना चाहिए कि भारत हमारे साथ खड़ा है, भारत सरकार हमारे साथ खड़ी है। टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा नई ग्राम में पंचायत सभा आयोजित की गई। पिंडरा विधानसभा के अनेई ग्राम में टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा एक पंचायत सभा की गई, जिसमें ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना गया। ग्रामवासियों ने बताया कि गांव में बिजली, सड़क, नाला सहित कई जटिल समस्या है। क्षेत्रीय विधायक इन समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं इस दौरान टीम मोदी सपोर्टर संघ के कार्यकर्ताओं ने लोगों की समस्याएं सुनते हुए इनके निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल, राष्ट्रीय महामंत्री जरीना बानो, सोमनाथ पांडे, प्रीति जायसवाल, संध्या सिंह, लोकनाथ शुक्ला इत्यादि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। किन समस्याओं को लेकर के आज यहाँ आए हैं और क्या हुआ इसमें? आज इन लोग के पास मैंने बिजली और पानी की समस्या को लेकर आया था। यहाँ के विधायक जी ने इनको साफ शब्दों में कह दिया कि मैं ये काम नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि आपने मोदी जी को वोट दिया, मुझे वोट नहीं दिया। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मोदी जी के नाम पे वोट लेकर इन लोग की समस्या को दूर नहीं कर रहे हैं। मैं इस प्रस्ताव को ऊपर जाकर रखूंगा, मोदी जी के बाद कुछ कहूंगा मैं, क्योंकि हर समस्या को दूर करने का मैं वादा करता हूं। मैं क्या है, किस तरह की समस्या आपके क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है? जो समस्या है मैंने पदाजी को बता दिया है, जो भी जल निकासी का समस्या था, जलीगांव का था, बाईपास का, जो जेनुअल मतलब सबसे जरूरी समस्या मेरी जल निकासी है, जिससे कि 50 बीघा खेत लगभग जलमग्न हो जाता है। उसके लिए मैंने इनसे अवगत कराया अभी उपाध्याय जी को। बाकी दूसरा जल निगम की जो समस्या है उसको भी अवगत कराया है। तीसरा समस्या हमारे यहाँ बाईपास का, बाईपास न होने से जिसे बता रहे थे शुक्ला जी कि यहाँ भी काफ़ी जाम उम लग जाता है लगन उगन में, वो भी एक बहुत बड़ा समस्या हमारे यहाँ। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप समस्या का निस्तारण के लिए लोग आपको चुनते हैं जी, लेकिन आपका क्या कारण है कि आप नहीं इसको कर पा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ तीनों काम मेरे अंडर नहीं आता है। मेरे यहाँ ग्राम पंचायत संबंधित जो काम है वो आता है, बाकी ये सड़क का काम या बाईपास का काम ये विधायक जी का काम है या तो सांसद जी का काम है। जल निकासी है जो है, मैंने समस्या बता दिया था कि जहाँ जल निकलना है वहाँ पे वो चक है किसी नाम से, न कि आबादी है बंजर, उसी कारोबार से वहाँ जल निकासी नहीं हो पा रहा है। तो कितना प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों को इससे? मैंने वीडियो लेवल पर भी बात किया है, एडीओ पंचायत से भी बात किया है, विधायक जी से कानून में डाला गया है बात, और आश्वासन मिला है हमें कि नहीं प्रस्ताव बन के दीजिए, काम होगा। कानून साहब से, एसडीएम से भी बात हुआ है, आश्वासन मिला, देखिए क्या होता है। आईसीएआर प्रत्यायन के संदर्भ में यूपी कॉलेज के कृषि संकाय के छात्रों द्वारा दिया जा रहा धरना 6वें दिन भी जारी रहा। आईसीएआर प्रत्यायन को लेकर दिया जा रहा धरना 6वें दिन भी जारी रहा। छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। छात्र नेता समीर सिंह विशाल की अगुवाई में छात्र छात्राओं एवं कॉलेज प्रशासन के बीच वार्ता में कॉलेज के प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि आज LOI कर दिया जाएगा, जिस पर छात्रों ने कहा कि यदि ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो छात्र धरना समाप्त कर देंगे, अन्यथा सोमवार को होने वाले कृषि संकाय के प्रथम वर्ष की काउंसलिंग को रोका जाएगा, क्योंकि हम छात्रों का भविष्य तो संकट में है ही, लेकिन हम आने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। धरने में मुख्य रूप से शिवम सिंह, निशांत सिंह, अभिषेक कृष्णमूर्ति सिंह, ऋषिराज सिंह, उत्तम सिंह, कृतिका सिंह, विजयलक्ष्मी पांडे इत्यादि छात्र छात्राएं सम्मिलित रहे। लगातार चल रहे अनिश्चितकालीन धरने का आज 6वां दिन है और सभी छात्रों के साथ आज प्रचार जी का पुनः वार्ता हुआ। वार्ता में यह समस्या सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रचार जी ने बोले हैं कि आज शाम तक या कल तक, परसों तक का आप लोगों का काम हो जाएगा, तो हम लोगों ने भी आश्वासन उन्हें जताया है कि यदि परसों तक काम हो जाता है तो अब तक हम लोग धरने से उठ जाएंगे, यदि नहीं होता है तो एग्रीकल्चर का सोमवार को काउंसलिंग है, तो हम सभी छात्र
हम लोग की डिग्री तो जितनी लोगों की फंस रही है वो फंस रही है, आगे आने वाले जितने भी बच्चे उनकी डिग्री ना खराब हो, इसलिए हम लोग काउंसलिंग को रोक देंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करवा चौथ पर्व के मद्देनजर महिलाओं ने व्रत से संबंधित पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ निर्जल व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन व पूजन कर व्रत का पारण करती हैं। इस वर्ष ये पर्व रविवार को मनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए शहर गुलजार है। जगह जगह मिट्टी के करवा, दिया, पूजन सामग्री इत्यादि की दुकानें सजी रहीं, जहां महिलाओं ने पहुंचकर जमकर खरीदारी की। इस दौरान मिट्टी के रंग बिरंगे सुसज्जित करवे, दिए महिलाओं के आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं नगर के व्यस्ततम क्षेत्र विशेषरगंज में भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने फल, फूल, चलनी, दिया सहित तमाम पूजन सामग्री की खरीदारी की। पूनम जी, किस तरह की खरीदारी कर रही हैं आज आप लोग? हम लोग कल करवा चौथ है, उसी विषय पे हम महिलाएं निकले हैं बाजार करने के लिए। खरीदारी कर रहे हैं, घर का सामान है, कुछ मेकअप का सामान है, साड़ी वगैरह। किस लिए ये व्रत रहा जाता है, क्या है इसका? पति की लंबी आयु के लिए। तो किस तरह से इसका करती हैं आप लोग, सुबह व्रत रहते हैं? हम लोग सुबह व्रत रहते हैं, फिर शाम को चंद्रमा को देख के अर्घ देते हैं, पति की पूजा करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग पानी पीते हैं। ये खरीदारी कहाँ कर रही हैं हम लोग? ये हम लोग विशेषगंज में सामान लेने आए हैं। इसके पहले हम लोग गदौलिया में गए थे साड़ी लेने, लेकिन मोदी जी की कृपा से इतनी महंगाई आ गई है कि इस बार हम लोगों का बजट बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बहुत बिगड़ गया बजट। मतलब पिछले साल से इस बार हम लोगों का जो खरीदारी था वो आधा हो। इसको महिलाएं सारा दिन निराजल रह के रात को चंद्रमा जब निकलते हैं तो उनको अर्घ दे के तब पानी पिया जाता है, तब खाया जाता है। ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, बच्चों के सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, घर परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है और इसे हर सुहागिन औरतें रखती हैं। सृजन सामाजिक विकास न्यास की ओर से वृक्षारोपण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्गाकुंड कबीरनगर कॉलोनी स्थित कबीर उद्यान परिसर में शनिवार को सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं गंगा समग्र काशी प्रांत 95 बटालियन CRPF के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सृजन सामाजिक विकास न्यास के चेयरमैन अनिल सिंह ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण, जल संरक्षण एवं स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए जन जागरूक किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि रमेश, प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत तथा विशिष्ट अतिथि DIG CRPF सुरेंद्र चौधरी व सृजन सामाजिक विकास न्यास के चेयरमैन अनिल सिंह, प्रोफेसर पद्मनाथ द्विवेदी इत्यादि लोगों ने संयुक्त रूप से पौधरोपण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने पर्यावरणविद अनिल सिंह द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार किए जा रहे पर्यावरण व जल संचयन तथा पौधरोपण जैसे कार्यों की सराहना की। पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान कबीर उद्यान परिसर में अर्जुन, नीम, सागौन समेत कुल 151 फलदार तथा छायादार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता गंगा समग्र ग्राम संयोजक अमरीश ने तथा धन्यवाद ज्ञापन देव भट्टाचार्य ने दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से भावना अग्रवाल, इंद्र बहादुर पटेल, विनीत सिंह, विनोद भारद्वाज इत्यादि कई लोग उपस्थित रहे। अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज एवं श्री काशी अग्रवाल महासभा वाराणसी द्वारा आयोजित कोविड टीकाकरण शिविर के चौथे चरण में शनिवार को टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें टीके की प्रथम व द्वितीय दोनों डोज लगाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर शिविर का लाभ लिया। शिविर का आयोजन विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर ऋतु गर्ग, दीपक अग्रवाल एवं शिविर संयोजक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर संतोष अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, राजकुमार जायसवाल, अनुज श्रीवास्तव ने अपना सहयोग दिया। आज हम लोगों का फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लोगों का वैक्सीनेशन कैंप है, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है कि पूरे 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग जाए
उतना ही सबको फायदा है, क्योंकि कोविड को हराने का एक ही तरीका है, सामाजिक दूरी और वैक्सीनेशन। तो लोग काफ़ी अवेयर हैं, सामाजिक दूरी का पालन भी कर रहे हैं और साथ में वैक्सीनेशन लग जाएगा तो पूरी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और वैसे भी हम लोग को लग रहा है कि जिस तेजी से सभी वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन लगा है, काफ़ी हद तक हम लोग कोविड को भगाने में कामयाब हो चुके हैं। दीपक जी, इस तरह का कैंप लगाया है, क्या है ये कैंप? है 20 से 27 तारीख तक का महाअभियान चलाया गया है। आदरणीय मोदी जी के प्रयास से प्रधानमंत्री के 65% अभी टीकाकरण हुआ है। उन्होंने टारगेट दिया है अपने संसदीय क्षेत्र में कि 100% इसका टीकाकरण किया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए ये महाअभियान का हमको और मनोज गुप्ता जी को दायित्व दिया गया है और दायित्व का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। 70 कैंप हम लोग को 7 दिन में लगाने हैं। अभी हमारे 30 कैंप आज हो जाएंगे पूरे और 4 दिन में हम लोग 40 कैंप और लगा लेंगे और कल परसों नरसों लगातार हमारे कैंप है। कल नहीं है, छुट्टी का दिन है, बाकी दिन हमारे कैंप है। उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारा मेन ध्येय है, हमारी मेन आह्वान है सबसे कि जो टीकाकरण नहीं किए हैं और टीकाकरण नहीं करा रहे हैं वो अवश्य टीकाकरण करें, नहीं तो अपने स्वास्थ्य भी खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरों का भी स्वास्थ्य वो खराब कर रहे हैं। पंकज, यह किस तरह का शिविर चल रहा है? जैसा कि भले भी विगत कोरोना काल में काशी अग्रवाल समाज और काशी अग्रवाल महासभा वैक्सीन केंद्र अपने समाज में लगाकर समाज के हितों की रक्षा के लिए और भारत का टीकाकरण 100%, इस दृष्टि में वाराणसी में 100% टीकाकरण के अभियान के अंतर्गत आज हम चौथे चरण में यहाँ टीकाकरण करा रहे हैं, जिनमें क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के अभिभावक भारी संख्या में आके अपना टीकाकरण प्रथम डोज और सेकेंड डोज दोनों लगवा रहे हैं। सपा यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का स्वागत हुआ। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रोहित शर्मा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। युवजन सभा के प्रदेश सचिव वरुण सिंह, हिमांशु यादव, सत्यप्रकाश सोनकर, आलोक गुप्ता व वीरेंद्र यादव ने उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर संजय यादव, रवि कुमार बिंद, अरविंद यादव, सतीश पाल इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी हमारे चारों यूथ संगठन का गठन हुआ है, जिसमें मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय कमेटी में मुझे बनारस से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बनाया गया। 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जनता ने मन बना लिया है। आपके सामने महंगाई, बेरोजगारी, सारी चीज़ें जनता को इस समय इतनी समस्या हो रही है। अभी आप हम लोगों ने अभी तुरंत अभी महिलाओं का एक सभा किया है, वहाँ यही सब मुद्दों पे लेके हम लोग का महिला चौपाल हुआ है और जनता ने पूरा ठान लिया है कि योगी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है। डीजल, पेट्रोल, ईंधन महंगाई बढ़े तो उस पर क्या कहेंगे? यही मोदी सरकार जी का, आप 2014 में उनका भाषण सुनिए, कांग्रेस में अगर सरकार के सेंट्रल में जब थी तो 10 रुपये भी अगर बढ़ता था तो यही स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर रोड पर बैठ जाती और आज 1000 के आसपास हो गया है। डीजल 100 रुपये पार हो गया है, पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया है और सरसों का तेल, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में हम मध्यम वर्गीय परिवार और रोज कमाने खाने वाले लोग ज़्यादा हैं और वो लोग 200 रुपये लीटर कैसे तेल खरीद के खा रहे हैं ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। तो सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से अब कुछ कहना नहीं है, अब जनता से सीधा अपील है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। भारतीय वैश्य चेतना महासभा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में वैश्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां वैश्य समाज के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका चयन हो रहा है, इसके बाद उनके नामों की घोषणा होगी। ये बातें भारतीय वैश्य चेतना महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गांधी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस वार्ता मैं इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का 2022 में चुनाव होने जा रहा है और वैश्य समाज को राजनीतिक भागीदारी के क्रम में जो है ये हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों से मैं मांग करता हूं कि जहां पर उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज और व्यापारी समाज की बहुलता है वहाँ पर वैश्य समाज और व्यापारी नेताओं को जो है टिकट दे के चुनाव लड़ाया जाए।
इस मिशन के तहत ही हम आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं काशी में, और हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सभी समाज को राजनीतिक दल जो है आबादी के हिसाब से टिकट का बंटवारा करते हैं, उनको चुनाव लड़ाते हैं, उसी तरीके से वैश्य समाज और व्यापारी समाज को भी आबादी के हिसाब से टिकट दे, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में 40-45% जो है वैश्य और व्यापारी है, और इनको जो है उस अनुपात में भागीदारी मिलना चाहिए, और तभी हम लोग ये मानेंगे कि वह पार्टी जो है हम लोग के साथ न्याय कर रहा है, वरना हम लोग नहीं मानेंगे। और यदि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ और हमें भागीदारी नहीं मिली तो हम स्वतंत्र हैं कठोर निर्णय लेने के लिए। और 7 नवंबर को बदलापुर जौनपुर में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें कुछ हम बड़ा फैसला करेंगे कि अगर जो राजनीतिक दल उस दौरान अगर टिकट की घोषणा होती है और उसमें हमारी भागीदारी नहीं दिखती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इनके सामने हाथ फैलाएंगे। हमारा समाज अपने समाज के लोगों को खुद चुनाव लड़ाएगा और बड़ी दमदारी के साथ। तो चलते चलते पुनः एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस कमेटी द्वारा निकाली गई वृहद प्रतिज्ञा रैली, वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने वर्तमान सरकार पर किया सीधा प्रहार। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल द्वारा करवा चौथ पर्व पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्कॉन एवं अन्य हिंदू मंदिरों पर बांग्लादेश में हो रहे हमले के विरोध में निकाला गया विशेष शांति मार्च। और टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा अनेई ग्राम में पंचायत सभा का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।